वेलकम टू आरकेएम फैब गाइस। तो पैच नोट आ रखा है और स्निपिक नंबर 5 नहीं आया है, मगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मार्वल स्टूडियो इंस्पायर्ड अपडेट आ रखा है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। पहले चलते हैं हम पैच नोट पे, जो कि अभी आया है कुछ देर पहले, 57 मिनट हो गया। चलते हैं पैच नोट पहले। यहाँ पे लिखा है 2 न्यू यूनिफॉर्म इंस्पायर्ड बाय मार्वल स्टूडियो लोकी और 1 न्यू मार्वल वॉर मशीन। ओके, 3099 यूनिफॉर्म एंड टीयर 3 एडवांसमेंट। ओके, तो टीयर 3 फाइनली मिल गया है वॉर मशीन को, मगर स्नीक पिक नहीं डाला। इसका कोई पहली बार ऐसा हुआ है कि स्नीक पिक नहीं डाला और टीयर 3 दे दिया पैच नोट में। चलो कोई नहीं, दिया तो दिया, सही है, कोई बात नहीं। तो ये सब पढ़ लेना वगैरह वगैरह, हम चलते हैं यूनिफॉर्म पे। तो वॉर मशीन का यूनिफॉर्म पे प्राइस है 1050 है, और बाकी का मैंने इन्फॉर्मेशन तो वॉर मशीन के बारे में दे दिया था, तो ये हम चलते नहीं हैं, आगे चलते हैं। तो ये रहा लोकी, लोकी का है सुपर विलन, यूनिवर्सल टाइप का है। ओके, और एबिलिटी है चिल माइंड है, और एलियन मेल है। ओके, और इसका यूनिफॉर्म प्राइस है 1050 40% इवेंट में, एंड 630 सिनर्जी इफेक्टेड एडेड हुए। ओके, अच्छा, तो सिनर्जी वाला इन्फॉर्म है, ठीक है। और ये कौन सा है? अच्छा, ये नॉर्मल वाला और ओके है। ओके, तो इसके यूनिफॉर्म में चेन ही डैमेज 10% का है, और इग्नोर टारगेटिंग डॉर्जेट है 30% का। ओके, ठीक है। पैसिव में देख लेते हैं, पैसिव में 30% इंक्रीज एनर्जी अटैक है, इंक्रीज गारंटी क्रिटिकल एट है 25% का। टीयर 2 पैसिव चेंज किया गया है, इंक्रीज किस स्केल डैमेज है 50% का, और इंक्रीज बोनस डैमेज है 25% का। स्केल 1 में कुछ नहीं है, स्केल 2 में भी कुछ नहीं है। स्केल 3 में बात कर लेते हैं, स्टन है, इनकैप्सुलेशन है, रिमूव एक्टिव अफ है 5 सेकंड के लिए, 15% का रिकवरी है, और 100% चांस टू मिस ऑल डैमेज है। 4 स्किल में है, ब्लीड डैमेज है, रिमूव इलास्टिक सिटी है, पैरालाइज है, और 50% इंक्रीज ऑल अटैक है, ठीक है, अच्छा है। 5th स्किल में है, इसका बर्न डैमेज है, पैरालाइज है, 15% ऑल डिफेंस स्टैक अप टू 40% है। तो देखा जाए तो ठीक ठाक है, बस मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, बस ये वाला यूनिफॉर्म सिनर्जी में डाला था ऊपर से। तो एक और यूनिफॉर्म है, जैसे कि हमने देखा था ये दोनों का सेम है, अगर आप वो वाला लेते हो तो यहाँ इसको 30 इसको प्राइस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 630 प्राइस हो जाएगा इसका। अगर आप ये वाला यूनिफॉर्म लेते हो, ये वाला जो मैं आपको स्क्रीन पे है, ये वाला लेते हो तो उस वाले दूसरे यूनिफॉर्म का उसका 630 प्राइस हो जाएगा 40% डिस्काउंट में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका भी यूनिवर्सल है, सुपर विलन सेम चाइल्ड माइंड इसके यूनिफॉर्म में, इसका यूनिफॉर्म भी सेम है। ओके, इसका पैसिव चेंज है। ओके, पैसिव इसका चेंज है, इसका थोड़ा पैसिव अलग है, 30% इंक्रीज एनर्जी अटैक है, एक्टिवेशन रेट डोमिनेंस ऑफ स्पिरिट स्किल यूज्ड। ओके, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव 50% का है, और 15% का रिकवरी भी है इसके पैसिव में। टीयर 2 में सेम है, टीयर 2 में ऊपर में देख लिया, स्किल 1 में कुछ नहीं है, स्किल 2 में इसमें कुछ डाला गया, उसमें नहीं था। माइंड कंट्रोल है 3 सेकंड का, डैमेज रिसीव इंक्रीज बाय 10 सेकंड का 10% 3 सेकंड के लिए, पैरालाइज है, इग्नोरेबिलिटी और इनविजिबल है 3 सेकंड के लिए, ठीक है। स्केल 3 की बात कर लेते हैं, स्टन है, इनकैप्सुलेशन है, और 15% का रिकवरी है, सेम है, ऊपर भी देख लेना आप। और स्केल 4 में रिमूव एक्टिव अप है, और हाँ इसका भी सेम है। ओके, इसका भी सेम है। ओके ओके, स्केल 5 में 15% रिकवरी, हाँ इसका भी सेम है, बस इसका पैसिव चेंज हुआ है, इसका पैसिव देख लेना, पैसिव चेंज हुआ है, और इसका नंबर स्केल 2 चेंज हुआ है, बाकी सब यूनिफॉर्म सेम है। जैसे कि डेडपूल का आपने देखा होगा, सेम था स्किल, बस यूनिफॉर्म पर चेंज है, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं। बस चलते हैं वॉर मशीन पर, वॉर मशीन का टीयर 3 अल्टीमेट दिख गया हमें, तो यहाँ पर देख लेते हैं एंड ऑफ वॉर। इसका टीयर 3 में है 80% चांस टू पेनेट्रेट है, सुपर आर्मर बैटल शील्ड, 100% चांस टू एक्यूमुलेशन। ओके, चार्ज है 100% इंक्रीज चार्ज एक्यूमुलेशन है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। ये रहा इसका टीयर 3 में, इसमें देख लेते हैं, स्नैप पिक में तो दिखाई नहीं था। ओके, क्या बात है, क्या बात है।
क्या बात है भाई साहब, ओहो 815 हिट गए हैं इसके टीयर थ्री स्किल में, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। इवेंट क्राफ्ट मटेरियल लॉन्गर अवेलेबल, डिस्पैच मिशन, डिस्पैच डाटा, ओके ये सब कुछ है। मशीन एबिलिटी एडिट डिस्ट्रॉयर नेबुला एंड केबल, केबल कुछ समझा नहीं। गेम एरर फिक्स है, प्लाज्मा शील्ड एक्टिवेट है, कुछ है इसका डॉक्टर रूम का कुछ एरर होगा तो वही है। तो ठीक है, मुझे लगा था कि वार मशीन का टीएसी नहीं आएगा, तो कोई नहीं, फाइनली टीएसी मिल गया हम लोग को देखने के लिए। और ये हवा में उड़ता है, ब्लास्ट होते जाते हैं, इसका 815 के करीब हिट गया है, सिर्फ टीएसी स्किल में गया है। और मैंने आपको ई वाली वीडियो में नहीं दिखा है, तो देख लेना जाके, मैंने बता रखा कितने हिट गए हैं उसके। तो ठीक है, लोकी की बात करें तो लोकी का बस यूनिफॉर्म चेंज है, बाकी सब स्किल्स सेम है, बस इस वाले स्किल में पैसिव चेंज है और टीयर टू स्किल चेंज है, मुझे बस यही लगा। और इसका सिनर्जी में लोगे, अगर आपने ये वाला यूनिफॉर्म लिया तो इसका प्राइस हो जाएगा ये वाले यूनिफॉर्म का प्राइस हो जाएगा 630, और आपने ये वाला यूनिफॉर्म लिया तो सेम वही हो जाएगा इसका 630, तो वही है, सेम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मुझे कुछ बार पसंद नहीं आया इसका लोकी का, मैंने ऑलरेडी लेटेस्ट वाला ले रखा है तो मेरा पत्ता कट गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। लोकी चेस्ट है, बेकार है। हीरो पैकेज अगस्त है, ये वाला देख लेते हैं। मार्वल स्टूडियोज लोकी इंस्पायर ऑफ डे सेलिब्रेशन स्पेशल इवेंट, ओके तो यहाँ पे हमें लोकी दिख रहा है, वॉर मशीन दिख रहा है। मार्वल स्टूडियो लोकी इंस्पायर्ड अपडेट सेलिब्रेशन इवेंट, तो 40% ऑल यूनिफॉर्म पे 40% डिस्काउंट आ रखा है, तो जिसको लेना है तो ले सकते हो, यूनिफॉर्म सेल आ रखा है। करेक्टर ग्रोथ भी आ रखा है, ओके अच्छी बात है, करेक्टर ग्रोथ है। इस पे क्या है, क्रिस्टल दियो भाई, क्रिस्टल दियो, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ओके रेस्ट ये थ्री, अरे बेकार से। रैंक इवेंट टू में, इवेंट थ्री में है, रैंक वन अल्टीमेटर है, ये सब गिफ्ट है, बेकार सा। कंबाइन उरू गोल्ड डिस्काउंट है, कंबाइन उरू गोल्ड पे, तो ठीक है। अनिक्यूब कॉस्ट भी है, इसको अनिक्यूब करना तो कर सकते हो। ओडिन ब्लेसिंग चांस अप हो गया है, तो जिसको ओडिन ब्लेसिंग लेना है ले सकता है, ओके। वॉर मशीन पे क्रिस्टल है, चलो मेरा काम हो गया, मैंने ऑलरेडी अपग्रेड करके रखा था, चलो फिर ख़त्म। और भी कुछ इवेंट आ रखा है, देख लेते हैं एक बार। इवेंट्स एंड सेल्स में चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो कुछ नहीं है। तो ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका, बाय। Yeah.